हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम ख्याति शर्मा। तो आज मुझे स्कूल का भी होमवर्क मिला था, बहुत सारा म्यूज़िक का करना था मुझे और मैथ्स का करना था बेसिकली। तो मैं घर पर आई, अभी मैंने स्कूल में ज़्यादा काम नहीं शुरू हुआ है हमारे, नॉर्मल सा चल रहा है। तो मुझे अपना सबसे पहले करना था म्यूज़िक का होमवर्क। तो ये मैं लिखा रही थी अपनी सीनियर दीदी से नोट्स स्कूल के, पहली मैं ले आई म्यूज़िक के, क्योंकि मेरे पास बुक ही नहीं है। तो मैं उनकी थ्योरी वाली ले आई थी नोट्स मतलब, एंड जो मैम ने हमें बनवाए थे वो मैंने स्कूल में रफ में करे थे, एंड मुझे उन्हें करना था फेयर में। तो मैं बैठ गई अपना करने भाई, क्योंकि बहुत सारा काम था और मतलब हिंदी में है हमारा म्यूज़िक, तो थोड़ा हिंदी में मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं आती और हाथ भी थोड़ा धीरे चलता है। एंड देन बैठ गई अपना म्यूज़िक का वर्क करने। अच्छा, तो मेरे को ना वैसे पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट म्यूज़िक और पेंटिंग में चॉइस थी तो मैंने म्यूज़िक प्रीफर करा, पता नहीं क्यों। एक तो पेंटिंग में ना मैंने देखा है बच्चे पूरे पूरे दिन पेंटिंग रूम में बैठे रहते हैं, पेंटिंग सुनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से मैंने म्यूज़िक लिया है। और ज़्यादा इजी है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, और सिलेबस भी काफ़ी कम है, तो मैंने म्यूज़िक लिया है। और आपने क्या लिया है वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके प्लीज़। पता नहीं क्यों मेरे को जानना है कौन कौन क्या क्या प्रीफर कर रहा है। तो बस मैंने अभी मतलब मैं स्कूल से आई थी, एंड देन मुझे ना आजकल मैं देख रही हूँ जब से मैं 11th में हूँ, ज़्यादा ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। 10th में थी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही थी, बिल्कुल सही चल रहा था, पता नहीं अब ना थोड़ा धीरे धीरे ट्रैक पे आऊँगी लगता है मैं, पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रही है 10th के कंपैरिजन में 11th में। अभी मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई में स्टार्ट भी नहीं करा है, थोड़ा सा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और म्यूज़िक ही पढ़ा है, और तो कुछ अभी पढ़ा ही नहीं है हमने, पता नहीं कब ढंग से स्टार्ट होएगा मेरा मतलब स्कूल वालों ने करवा दिया अच्छे तरीके से स्टार्ट सब कुछ प्रॉपरली, बट अभी मैंने खुद से ना कुछ मतलब ऐसे ढंग से पढ़ा नहीं है। बट हाँ, अभी कल परसों मतलब मैंने शुरू कर दिए नोट्स बनाने अपने PCM के, बट उतना अच्छा नहीं आ रहा अभी रिज़ल्ट में, कुछ ना करना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे मैं और एफर्ट्स डालूंगी। और आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ भी सेम चीज़ हो रही है क्या, मतलब पढ़ाई में भी इतना मन नहीं करता कि हाँ पढ़ लूँ, या फिर टाल देता है कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, जब से 11th में आए हैं 10th के कंपैरिजन में, ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, या फिर क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भाई पढ़ने लिखने वाली बच्ची हूँ मैं सच में, और फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मैंने अपना म्यूज़िक का होमवर्क कर लिया था, एंड ये मेरा कम से कम 1.5 घंटे में हो गया था आराम से। एंड अब मैं दोबारा से 11th में जेल पेन यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि 10th में ना मैं मना कर दिया था कि बॉल पेन से यूज़ करना, OMR शीट वगैरह भी भरनी होती है और इंक वगैरह डर रहता है, तो फिर मैंने अब दोबारा से अपने जेल पेन यूज़ कर लिया। एंड अब मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था उसके बाद, मैं पढ़ने बढ़ गई मैथ्स। तो मैथ्स की मेरे पास दो बुकें, एक RS अग्रवाल और एक NCERT। तो RS को तो मैंने अभी रख दिया साइड में, और हमारे स्कूल में ना जो सर है हमारे मैथ्स वाले, उन्होंने स्टार्ट करवाया है सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो और भाई जब हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, वो भी हमें बहुत धीरे 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 जाके समझ में आई थी जब हमने पीछे के चैप्टर्स कर लिए थे, और अब सर ने डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करवा दिया, तो मेरी तो रेलगाड़ी से मिल रही है लाइक। वैसे तो ये वाला चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, मतलब 10th के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 10th में ना थोड़ा ईजी, मतलब इतनी ईजी नहीं थी, प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में भी, मतलब एक एक्सरसाइज नॉर्मल थी, बट 11th में क्या है थोड़ा ईजी है, बस फॉर्मूलेस बहुत बहुत ज़्यादा है, बाकी तो इजी लगी मुझे मतलब 11th की कंपैरेटिवली, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने पता क्या करा, सबसे पहले मैंने अपनी NCERT की बुक खोली, एंड उसमें मैंने जो इंट्रोडक्शन वगैरह होता है ना वही रीड करा अभी सिर्फ, क्योंकि मैं ज़्यादा मैशअप नहीं करना चाहती थी। तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन्स लग रही थी उन्हें मैं हाईलाइट कर रही थी, और कुछ फॉर्मूलेस थे उन्हें मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख लिया था और उन्हें पेस्ट कर दिया अपने सामने ताकि वो मुझे दिखते रहे। ठीक है, तो भाई मैथ्स मैंने ऐसे स्टार्ट करी है। म्यूज़िक में मैंने क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स मैंने रीड करे हैं ऊपर से, क्योंकि क्लास में हमने समझा दी थी तो वो तो वहीं पर समझ में आ गए थे। और मैथ्स में मैंने भी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फॉर्मूलेस रीड करे हैं, फिगर्स फिगर आउट करी हैं, एंड बस मतलब जो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मतलब मैं लिख के भी देख रही थी फॉर्मूलाज ताकि थोड़ा सही लगे, मतलब प्रैक्टिस हो जाती है ना इस वजह से। तभी मैंने और तो कुछ ज़्यादा करा नहीं है, बस यही करा है। और फिजिक्स में भी बस मैंने अभी यूट्यूब से एक दो लेक्चर देखे हैं, बिकॉज मैं ट्यूशन तो पढ़ती नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जो सर पढ़ाते रहते हैं स्कूल में वो कर लेती हूँ। और केमिस्ट्री में भी बस मैंने NCERT के एक दो पेज रीड कर लिए थे, और तो मैंने कुछ करा नहीं था। तो अभी आगे मैं मतलब प्रोडक्टिव ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि मैं ढंग से पढ़ नहीं रही हूँ तो ढंग से ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे, लेकिन मैं जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।